स्वागत है। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। मोहाड़ी में 2.5 लाख के आभूषण पर हाथ साफ। कन्हैया विसर्जन के लिए परिजन के घर गए व्यक्ति के घर से अज्ञात चोरों ने 2.5 लाख रुपए के सोने के आभूषण चुरा लिए। शहर के नेहरू वार्ड में घटना प्रकाश में आते ही मोहाड़ी पुलिस थाने में अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार कुशारी रोड नेहरू वार्ड निवासी मांगोराव चौत्राम फटिंग उम्र 60 साल परिवार के साथ परिजन के घर कन्हैया विसर्जन के लिए गए थे। इस दौरान चोरों ने दरवाजे पर लगा ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। कमरे में मौजूद लकड़ी की अलमारी से सोने की 3 ग्राम की नथ, 5.7 ग्राम की अंगूठी, 4.5 ग्राम की सोने की पुरानी अंगूठी, 3 ग्राम की एक सोने की अंगूठी, 15 ग्राम का सोने का चेन, सोने के 1 ग्राम वजन के 2 लॉकेट, 20 ग्राम सोने से बनी चूड़ियां, 35 ग्राम सोने के झुमके, 4 ग्राम सोने की लॉकेट और मनी, 5 ग्राम वजन की 3 चांदी की अंगूठी, 25 ग्राम चांदी के 2 नग पायल, 20 ग्राम की पुरानी पायल, 50 ग्राम वजन की चांदी की गणेश मूर्ति, 50 ग्राम वजन की चांदी गणेश मूर्ति, 50 ग्राम वजन की चांदी की लक्ष्मी की मूर्ति, 100 ग्राम वजन की चांदी की चूड़ियां, कुल 2,56,275 रुपयों का माल अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। घटना प्रकाश में आते ही मांगोराम फटिंग ने मोहाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़। नमस्कार।